नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कायोबुल में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इंडिया में बैठे बैठे यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके चलना चाहिए ताकि सेफेस्ट तरीके से हमें बेटर रिटर्न मिलता रहे। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके चलते हैं, जिसमें वो कुछ पैसा इक्विटी मार्केट में, कुछ गोल्ड में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ अलग अलग फंड्स में लगाकर चलते हैं। ऐसा करना भी चाहिए और ये अच्छी बात भी है, लेकिन आज ज़माना बदल रहा है। लोग धीरे धीरे फाइनेंशियली एजुकेट होने लगे, अब वो सोचते हैं कि अलग अलग फंड्स में पैसा लगाने से अच्छा है कि डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगाया जाए। तो ऐसे में हम आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ इन्वेस्टमेंट यूएस मार्केट में करना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कोई सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आज इन्हीं सब बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गारंटी देता हूँ कि इससे बेहतर वीडियो आपको YouTube में नहीं मिलेगा US मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रिलेटेड, जहां सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिलेंगी। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आप देखते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप US मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला तरीका है वो है म्यूचुअल फंड का। यह सबसे सेफेस्ट, ट्रेडिशनल और ईजी तरीका है। इसके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जिस किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ आपका डीमैट अकाउंट हो, उसके थ्रू आप US मार्केट से रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है स्टॉक से रिलेटेड रिसर्च करने का, या यूएस मार्केट के स्टॉक से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मिनिमम से मिनिमम अमाउंट के साथ आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या मंथली बेसिस पर SIP कर सकते हैं। ऐसे में बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड लॉन्च किए हुए हैं, जिनमें से कुछ नाम मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप S&P 500 से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अपना एक म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। इसके थ्रू आप S&P 500 से रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिखाया है, और पिछले साल ही इस म्यूचुअल फंड को कंपनी ने यहाँ पे लॉन्च किया था। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपीज़ की। आप 500 रुपीज़ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि 35% के आसपास का रिटर्न अभी तक इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। अब जो दूसरा म्यूचुअल फंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो भी मोतीलाल ओसवाल का है, लेकिन वो है नैसडेक 100 से रिलेटेड कंपनीज के बारे में। आप देख सकते हैं इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैसडेक 100 फंड ऑफ फंड। यहाँ पे आप नैसडेक से रिलेटेड 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 500 रुपीज़ का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी पिछले एक साल में काफ़ी अच्छी रिटर्न देखने को मिलती है, और दो साल पहले ही कंपनी ने इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे लॉन्च किया था। तीसरा जो म्यूचुअल फंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ यहाँ पर, वो है कोटेक नैसडेक 100 फंड ऑफ फंड। इसके थ्रू भी आप नैसडेक 100 से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 5,000 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को कंपनी ने इसी साल जनवरी में लॉन्च किया था, और तब से लेकर अब तक किस तरीके की परफॉर्मेंस इस म्यूचुअल फंड ने दिखाई है वो आप देख सकते हैं कि जब ये ओपन हुआ था तब 10 रुपये की NAV पे ओपन हुआ था, और इस समय जो NAV चल रही वो चल रही 11 रुपये की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड ने किस तरीके का रिटर्न दिखाया है। अब बात कर लेते हैं चौथे म्यूचुअल फंड की, तो वो है फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज़ फंड, जो कि मुझे सबसे फेवरेट लगता है। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 5,000 रुपीज़ की, और पिछले 5 सालों में अगर आप यहाँ पर ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में 32% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 25% का रिटर्न, और उसके पिछले 5 सालों में 24% का रिटर्न। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब किसी भी तरीके का मार्केट में बुल रन नहीं था तो भी यहाँ पे 20% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आपकी अपनी समझ होगी, आपकी अपनी रिसर्च होगी कि आप किस म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहते हैं, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में, वो है किसी भी ब्रोकरेज फर्म के साथ यूएस मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। जैसे इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास किसी ब्रोकरेज फर्म का अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है, लाइक ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ICICI सिक्योरिटीज़। वैसे यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए
आपके पास यूएस की किसी ब्रोकरेज फर्म का अकाउंट ओपन होना जरूरी है। ऐसे में इंटरएक्टिव ब्रोकर एकमात्र ब्रोकर है जिसका ऑफिस इंडिया में भी है और ये यूएस की रजिस्टर्ड ब्रोकर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि आप यूएस मार्केट के साथ साथ इंडियन मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इंडिया में जैसे जीरोधा डिस्काउंट ब्रोकिंग पे काम करता है, वैसे ही ये यूएस में डिस्काउंट ब्रोकिंग पे काम करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लो ट्रेडिंग कॉस्ट पे आप ट्रेड ले सकते हैं, काफ़ी लोएस्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट होती है, तो बहुत ही चीपेस्ट तरीके से आप यहाँ पे यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और कस्टमर्स जो सपोर्ट है इस कंपनी का वो भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने टर्मिनल ओपन किया है, ये इंटरेक्टिव ब्रोकर का यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि इस तरीके का टर्मिनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, फेसबुक, अलीबाबा, ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो टर्मिनल ओपन मैंने यहाँ पे किया है, ये इसी कंपनी का यहाँ पे ओपन किया है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी है वो आपको बहुत ही गज़ब की मिलती है, क्योंकि आप जब यहाँ पे लॉगिन करते हो तो हर बार ये आपसे सिक्योरिटी कोड पूछता है। तो ये जो ब्रोकरेज फर्म है मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी जब मैंने इसको यूज़ किया था, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती थी तो यहाँ पे इंस्टेंट सपोर्ट मिल जाता था। अगर आप यूएस मार्केट में किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन होगा कि आप इंटरेक्टिव ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी जो ब्रोकरेज फर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप इंडिया में बैठे बैठे यूएस मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं, वो है चार्ल्स वेब। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप मिनिमम कॉस्ट के साथ यूएस में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर बस एक ही चीज़ की दिक्कत है कि जब आप अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए जो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए वो चाहिए 25,000 यूएस डॉलर का, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता है ये, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अभी तक सक्सेस नहीं कर पा रही है। अगर ये भी इंटरेक्टिव ब्रोकर की तरह डिस्काउंट ब्रोकरेज पे चले तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको काफ़ी सक्सेस देखने को मिलेगी। लेकिन ओवरऑल जो ये कंपनी है, यूएस की रिनाउन कंपनी है, काफ़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, तो यहाँ पे वैसे किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आप यूएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस ब्रोकरेज फर्म के साथ आप जा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है किसी भी थर्ड पार्टी पार्टनर्स के साथ ट्रेड करना। जैसे इंडिया में सब ब्रोकर्स होते हैं किसी भी ब्रोकरेज फर्म के, वैसे ही यूएस मार्केट में यूएस ब्रोकरेज फर्म के कई सारे पार्टनर्स होते हैं जिनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो, जिनके थ्रू आप यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे ही एक पार्टनर आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ, वो है वेस्टेड, जो कि सब ब्रोकर है ड्राइव वेल्थ का। ड्राइव वेल्थ एक रजिस्टर्ड यूएस की ब्रोकरेज फर्म है और ये जो कंपनी है ये उसकी सब ब्रोकर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेस्टेड का कहना है कि वो SEC रेगुलेटेड है और SIPC मेंबर है, तो जो भी आपकी वेल्थ होगी यहाँ पे वो पूरी तरीके से सेफ है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1000+ से ऊपर के स्टॉक्स हैं जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फ्रैक्शनल ट्रेडिंग के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। कि सपोज़ आपको अमेज़ॉन का एक स्टॉक बाय करना है और वो एक स्टॉक 3000 के ऊपर का है, तो अगर आपके पास $3000 नहीं है, आपके पास $5 या $10 है, तो भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप जो विड्रॉल करते हैं वो भी आपको बैलेंस तुरंत मिल जाता है। दूसरा जो यहाँ पे थर्ड पार्टनर मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो है स्टॉकल का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी किसी भी तरीके की मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, ये भी एज इट इज़ वेस्टेड की तरह है। यहाँ पे भी कई सारी कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप फ्रैक्शनल ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। ये दोनों कंपनीज़ पूरी तरीके से सेफ़ हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ तरीके थे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिनके थ्रू आप यूएस मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है वो पूरी तरीके से सेफ़ है, ऑथेंटिक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया कि जो स्पॉन्सर्ड हो। यहाँ पर आप सभी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप इन सभी पर सेपरेट वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों
लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियोस बना सकूं जिनमें आप देख सकेंगे किस तरीके से आप US ब्रोकरेज फर्म में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किस तरीके के चार्जेस लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक सेपरेट वीडियोस में देखने को मिल जाएंगी, उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो दिल खोल के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।